हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लश्करा शाहपुर में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2022 ग्रुप डी बीएसएससी एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी आगामी आने वाले एग्जाम फ्रेंड्स, इसके लिए आज हम इस वीडियो में सेट सिक्स के साथ उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण खेल के क्वेश्चन को लेकर। तो इसमें आगामी खेल, आयोजन स्थल, वर्ष, विजेता, उपविजेता 2021 और 22 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं खेल से रिलेटेड। तो इसमें हम बहुत ही लेटेस्ट इस्टीमेट डाले हैं क्वेश्चन, इसमें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल का भी इसमें क्वेश्चन को इसमें एडजस्ट कर दिए गए हैं। और इसमें आपको बता दें कि ये एग्जाम में 100% जरूर छिपेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट करंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको इसमें सम्मिलित कर लिए हैं कॉमनवेल्थ। इसमें पूरा इसमें वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले चैनल पर जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को फ्रेंड्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, इसमें 22 टीम भाग लेंगे। नेक्स्ट है, 2022 को वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण कहाँ होगा? तो ये चंडीगढ़ में होगा। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें 17 पदक जीते हैं, ये पश्चिमी स्थान पर हैं भारत। इसमें स्वर्ण पदक जो है रवि दहिया ने 57 केजी कैटेगरी में इसमें जीता है रवि दहिया ने स्वर्ण पदक। और फर्स्ट स्थान पर है जापान 21 पदक लेकर। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मनीला फिलीपींस में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा? ये उड़ीसा में होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। नेक्स्ट है, दूसरे खेलो मास्टर गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में। नेक्स्ट है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? यह हर्षदा गड़ूर बनी है, ये 45 केजी कैटेगरी में इसमें जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? ये केरल ने जीता है, उप विजेता इसमें बंगाल है, बंगाल को हराकर केरल ने जीता है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? तो ये रही है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है। टोटल पदक इसने 30 पदक जीते हैं जिसमें 20 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट है, 2022 को किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये रोनी ओ सुलीवन ने जीता है। नेक्स्ट है, 2022 को 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका गोवा में किया गया रहा। नेक्स्ट है, T20 में विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक किसने लगाया है? डेविड वार्नर ने लगाया है, टोटल 89 अर्धशतक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यह हरियाणा ने जीता है, वो विजेता तमिलनाडु है, आयोजन इसका भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट है, 24वें मूकबधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, यह किस खेल में जीता है? यह शूटिंग में जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है। नेक्स्ट है, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? ये इंटर मिलान ने जीता है, उपविजेता यूवेंटस है। नेक्स्ट है, 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? ये इंडोनेशिया को हराकर जीता है भारत ने पहली बार 2022 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जरूर पूछे जा सकते हैं। या पहली बार ऐसा हुआ है जो थॉमस कप में इंडोनेशिया को हराकर जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप किसने जीता है? ये जीता है दक्षिण कोरिया ने, चीन को हराकर जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 2022 में किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो ये उड़ीसा ने जीती है और इसके उप भी जीता है कर्नाटक। नेक्स्ट है, 2022 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाजी कौन बन गई है? ये निकहत जरीन बन गई है, ये तेलंगाना की रहने वाली है, उप विजेता है
जिंतपग ये थाईलैंड के हैं और इसका आयोजन जो हुआ था इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का 22वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, ये बर्मिंगम में हुआ है इंग्लैंड में। 2022 का 22वां संस्करण, ये संस्करण जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये संस्करण पूछे जा सकते हैं, बर्मिंगम में हुआ है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, ये मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, ये निकहत जरीन और शरद कमल थे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था पेरी द बुल। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था, इसका गेम्स फॉर ऑल था इसका आदर्श वाक्य। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी ने भाग लिया, इसमें 213 खिलाड़ी ने भाग लिया, 215 लेने वाले थे फ्रेंड्स, लेकिन दो खिलाड़ी बाद में हट गए, ये नीरज चोपड़ा जी एक ऐश्वर्या। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे युवा खिलाड़ी ने भाग लिया, ये इसका नाम क्या है, ये इसका नाम है अनहत सिंह, ये मात्र 14 वर्ष के हैं, ये स्वेस के खिलाड़ी हैं, ये अनहत सिंह राष्ट्रमंडल के सबसे युवा खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से अनहत सिंह। तो नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल और कितने स्पर्धा थे, इसमें टोटल देखिए 20 खेल थे इसमें और 280 स्पर्धा थे। नेक्स्ट है जर्मी लालरीनुंगा ने 67 केजी कैटेगरी में कितने भार उठाया था, इसने 300 केजी का भार उठाया था इसने, जर्मी लालरीनुंगा ने 67 केजी कैटेगरी में। तो नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो 49 केजी कैटेगरी में इसमें 201 केजी वजन उठाकर इसने स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था, टोटल 72 देशों ने भाग लिया था इसमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, इसको पूछे जा सकते हैं जरूर। राष्ट्रमंडल खेल में अगर पदक तालिका की अगर बात करें तो फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, इसने टोटल इसमें गोल्ड इसने जो लिए हैं 67, उसके बाद रजत 57, उसके बाद 54 लिए हैं कांस्य पदक, टोटल 178 पदक इसने जीता है तीनों मिलाकर। एंड दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड है, 57 गोल्ड 66 रजत और 53 कांस्य पदक, टोटल 176 पदक लेके दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर तीसरा है स्थान कनाडा का, जिसमें कि 26 गोल्ड जीते हैं, 32 रजत और 34 कांस्य पदक, टोटल 92 पदक लेके तीसरे स्थान पर है। और यहाँ पर अगर चौथे स्थान की अपना देश भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर 22 गोल्ड लेके इसमें 22 गोल्ड 16 रजत और 23 कांस्य पदक, टोटल 61 पदक लेकर तीनों को मिलाकर इसने चौथे स्थान प्राप्त की है अपना देश भारत ने। नेक्स्ट है इसमें न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर 20 गोल्ड जीते हैं और उसके बाद 12 रजत, उसके बाद 17 कांस्य पदक, टोटल 49 पदक लेके 5वें स्थान पर। तो आपको हम टॉप 5 का इसमें दिखाए रजत इसमें पदक तालिका में, और इसमें टोटल 72 देशों ने भाग लिया था फ्रेंड्स, इसमें टॉप 5 का ही हम इसको शामिल किए हैं फ्रेंड्स, यही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको आप बहुत ही बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा। और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो डाल रहे थे हम, ये 6ठा सेट था मेरा और ये लास्ट ही था, यह समझ लीजिए कि ये बहुत ही लेटेस्ट में करंट अफेयर इसमें स्पोर्ट का डाल दिए हैं, इससे बार इसमें लमसम इसमें लड़ जाएगा क्वेश्चन। तो आपको बता दें कि लमसम इसमें 150 प्लस क्वेश्चन इसमें हो चुका है सभी वीडियो में, 6 वीडियो मिलाकर। तो इस वीडियो को आप जरूर जरूर देख के जाइएगा, जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टैटिक जी के साथ, और फिर स्टैटिक जी के हम लेके उपस्थित होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।